और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात तो बेहाल नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ में पर्यटक फंसे और देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में यह स्थिति है कि हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। रायगढ़ में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू सामने आ रहा है। वहीं मुंबई में अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। भारी बारिश के चलते लोकल रेल सेवा भी बाधित हो गई है। बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों भारी बारिश के संकट से जूझ रही है। मुंबई में हालात बाढ़ के जैसे हो गए हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त पड़ गया है। और देखिए इस वक्त जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहां पर भारी बारिश से हालात बेहाल नजर आ रहे हैं। ये देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें, जहां पर रायगढ़ में पर्यटकों का रेस्क्यू सामने आया है। प्रशासन को कड़ी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी यहां से पर्यटकों को बाहर निकालने के, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया, नदी में उफान देखा गया, क्योंकि ये एक वाटरफॉल था और वाटरफॉल में लोग जो है वो मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया और उसकी वजह से पर्यटक वहां फंस गए। और प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जो वहां पर स्थानीय लोग थे, उन्होंने वहां पर जो पर्यटक थे उनका रेस्क्यू कराया और किसी तरह जान बचाई गई। इससे पहले देखिए मुंबई से और भी तस्वीरें कई सामने आ चुकी हैं, जहां पर पर्यटक इसी तरीके के वाटरफॉल में गए आनंद लेने के लिए, लेकिन वो मजा किस तरीके से सजा में बदल गया और उसके बाद कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन इस बार ये गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के नदी के किनारे पहुंच गए। और इसी जोड़ी दूसरी खबर, मुंबई में अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। भारी बारिश के चलते लोकल रेल सेवा भी बाधित नजर आ रही है। बारिश से कई इलाके जलभराव में तब्दील हो चुके हैं। ये हालात हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के, जहां इन दिनों भारी बारिश के संकट से जूझ रही है। और ये तमाम तस्वीरें देखिए, अंधेरी, मलाड, रायगढ़, विलेपार्ले, कुर्ला, किंग सर्कल, विद्या विहार, दादर, सभी की यही स्थिति है। कहीं जलभराव नजर आ रहा है तो कहीं फीटों फीट पानी जो है वो भर गया है। मुंबई में हालात बाढ़ के जैसे हो गए हैं, जिस कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त पड़ गया है। आपको बता दें कि इस भारी बारिश का असर मुंबई की ट्रेन और ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा है। विभिन्न स्थानों पर जल भराव के कारण सीएसएमटी ठाणे के बीच मेन लाइन पर ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं चूनाभट्टी में जलभराव के कारण हार्बर लाइन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। इधर आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि मुंबई में रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, यानी महज 6 घंटों में ही 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद मुंबई पानी पानी हो गया है। लेकिन यह तस्वीरें आपको नई नई देख रहे हैं। हर साल मानसून आता है और मानसून के बाद मुंबई यानी जो माया नगरी है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। हालात बद से बदतर हो जाते हैं और लोगों का जो जिंदगी है उस पर ब्रेक लग जाता है। ये तमाम इलाकों की तस्वीरें आप देखिए, आज माया नगरी मुंबई की कुछ यही सूरत नजर आ रही है, क्योंकि सड़कों पर सैलाब जो है वो उतर आया है और उसकी वजह से जगह जगह पर पानी भर गया है। रायगढ़ में तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि पर्यटक जो है वो फंस गए और उनका रेस्क्यू कराकर उनको निकाला गया। वही देखिए मुंबई समंदर में हाई टाइड का अलर्ट वो भी जारी कर दिया गया है। और हाई टाइड का अलर्ट जब जारी किया जाता है तो जगह जगह पर मुंबई में बताया जाता है लोगों को कि वो समुद्र के किनारे ना आए, क्योंकि हाई टाइड में जो है वो समुद्र का पानी जो है वो सड़कों पर भी आने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में जगह जगह वहां पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो समंदर में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं मुंबई में जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ गई। दोपहर 1:57 पर हाई टाइड का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, यानी हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया। और उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, अभी आपको फिलहाल समुद्र बेहद शांत नजर आ रहा है, लेकिन हाई टाइड का अलर्ट यानी कि समुद्र की जो ये लहरें आप देख रहे हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। और इसी वजह से ये कहा जाता है प्रशासन द्वारा, बीएमसी द्वारा लोगों को कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं। तो आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरीके से पानी में जलमग्न नजर आ रही है। ये आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं समुद्र की, जहां पर आपको अभी बेहद शांत नजर आ रहा है समुद्र, लेकिन हाई टाइड का अलर्ट है और हाई टाइड के अलर्ट में समुद्र के किनारे लोगों को ना जाने की हिदायत दी जाती है। लेकिन देखिए
देखिए मॉनसून आने से पहले बीएमसी के जो तमाम दावे होते हैं वो पूरी तरीके से खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जैसे ही मॉनसून की बारिश होती है और मॉनसून की बारिश मुंबई को पानी पानी कर देती है। वही मुंबई के मलाड इलाके में करीब 8 घंटे बाद एक गाड़ी को रेस्क्यू किया गया। दरअसल सुबह से तेज बारिश के चलते गाड़ी मलाड सबवे में फंस गई थी। पानी के बहाव के चलते गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन गाड़ी पानी में फंसी रही। गनीमत यह रही कि वक्त चलते गाड़ी का सफल रेस्क्यू हो गया। मुंबई की बरसात कभी कभार किस तरीके से जानलेवा हो सकती है उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सोमवार तड़के जब बारिश शुरू हुई तो पानी का बहाव इतना तेज था कि मलाड सबवे में ये गाड़ी पूरी तरीके से फंस चुकी थी और अभी 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं। स्थानिक लोगों की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है जब जलस्तर इस मलाड सबवे का थोड़ा सा कम हो गया। तस्वीरें बता दें कि मलाड इलाके की है, मलाड सबवे की है। सोमवार सुबह तड़के ये गाड़ी फंस चुकी थी और करीब गनीमत ये रही कि जब ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी तो स्थानीय लोगों की मदद से जो भी गाड़ी में लोग सवार थे, जो भी चालक थे, उनको सकुशल बाहर निकाला गया था। लेकिन बाद में गाड़ी को पानी का बहाव इतना था तेज था कि गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर चालक को वहां से निकलना पड़ा और अभी स्थानीय लोग की मदद से करीब 10 घंटे के बाद ये गाड़ी जो है वो बाहर निकाली जा रही है। आपको बता दें कि ये वही मलाड सबवे है जहां पे 2019 में कुछ इसी तरीके की एक स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई थी तेज बरसात में और उसमें जो चालक थे वो गाड़ी के अंदर ही फंस गए थे और 2 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में कुछ इसी तरीके की तस्वीर अभी हम 2019 के बाद अभी हमें दिखाई दे रही है कि एक बार फिर से गाड़ी फंस चुकी थी और करीब 8 से 9 घंटे के बाद जो है गाड़ी को स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे निकाला जा रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते हुए जो चालक थे जो इस गाड़ी में वो बाहर निकल गए और किसी भी प्रकार के लोगों की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कैमरा पर्सन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।